आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट क्रीम, जो कि खास तौर से आप नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि फ्रूट क्रीम के नाम पे पता क्या बनता है, बनता है फ्रूट का रायता। तो हाँ, सारी गड़बड़ आज दूर करेंगे और हम बनाएंगे राजभोग स्टाइल में फ्रूट क्रीम। तो चलिए मिलके बनाते हैं इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ बूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। फ्रूट क्रीम सबसे सिंपल रेसिपी मानी जाती है, लेकिन उसकी जब बात करते हैं तो क्रीम कौन सी डलनी चाहिए। एक होती है व्हिप क्रीम, जिसको रिच क्रीम, व्हिप क्रीम कहा जाता है, जो कन्फेक्शनरी में यूज़ किया जाती है। एक होती है ये फ्रेश क्रीम, जो खाने में भी डाली जाती है, ग्रेवी में भी डाली जाती है। तो आपके हिसाब से कौन सी डलनी चाहिए। ये दोनों ही क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं हम फ्रूट क्रीम के अंदर। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा फेंटना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, पानी जल्दी छोड़ने लग जाती है। और ये जो क्रीम है ये थोड़ी सी सख्त रहती है, मतलब टिकी रहती है, थोड़ी सी हार्ड बन जाती है, क्योंकि ये व्हिप क्रीम है। तो आपकी मर्जी है आपको कौन सा डालना है, दोनों से ही बन सकता है। तो ये व्हिप क्रीम यहाँ पे हम 2 कप इस्तेमाल करेंगे, लगभग 1/2 लीटर। ये ज़्यादा गिर गई, इसको वापस से मैं डाल देता हूँ। और ये बहुत चील्ड है, ये क्रीम बिल्कुल चील्ड होनी चाहिए, इसकी पहली शर्त है, तभी ये व्हिप्ड होगी। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, और जब स्टार्ट करें तो इसकी स्पीड बिल्कुल धीरे धीरे रखें। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। इसको फेंटना कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केक की आइसिंग करने के लिए जितना हार्ड चाहिए उतनी हार्ड हमको ये नहीं चाहिए, उससे 1 पॉइंट नीचे चाहिए। तो यहाँ पे हो गए 7 से 8 मिनट, और ये देखिए पॉइंट, देखिए बह रही है, मतलब थोड़ी धीरे धीरे करके बह रही है। ये देखिए ये गिरी, इतनी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जस्ट 3 गुना हो गया, ज़्यादा हो गया है। क्रीम को फेंटते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, अगर गर्मियों में फेंट रहे हैं तो बाहर की तरफ से आइस लगा लीजिए, वरना क्रीम जल्दी से फेंटती नहीं है, और या फिर किसी ठंडे एरिए में इसको फेंटना है। अब राजभोग स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मिल्क मेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे ये भी मीठा होता है, ये भी मीठा होता है, इसलिए मीठा कितना डालना है आप अपने हिसाब से डालिए, मैं 1/2 कप इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस मिल्क मेड को यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। वैसे मिल्क मेड की जगह आप मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कंडेंस मिल्क क्रीम के साथ में हमने मिक्स कर दिया है, अब इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर, जब तक फ्रूट काट लेते हैं। तो सबसे पहले कीवी काट लेते हैं। कीवी का ये पार्ट होता है ना, जहाँ से कीवी को तोड़ा जाता है, ये टेल पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो इसको इस तरह से कट लगाते हैं ये। अब आप जब चाकू इस तरह से घुमाएंगे ना, तो आपको बीच में एक हार्ड पार्ट महसूस होगा, उसकी डंठल, उसको नहीं काटना है, पूरा इस तरह से घुमाना है। और ये निकल गया, ये देखिए बिल्कुल चुपता हुआ, ऐसा लगेगा जैसे काटा है। 2 तरह से इसको हम काटेंगे, पहले तो इसको 1/2 कर देंगे, ये कर दिया। और कभी भी कीवी ले, हल्का सा प्रेस करके देखें, हल्का सा प्रेस होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो समझ लीजिए बहुत खट्टी होगी वो। एक तो ये तरीका है इसको इस तरह से पील करके खाने का, ये जो छिलका होता है इसका निकालना पड़ता है। ये पील कर लिया पतला पतला सा, इसको आप आराम से खाइए, काट के कैसे खाना है। दूसरा तरीका होता है, एक स्पून लिया, उसको बिल्कुल किनारे पे डाला उसके, और इस तरह से आपका जो स्पून है थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, पतला वाला, ये देखिए पूरा निकल गया ना। 2 तरीके, इसको चॉप कर लेते हैं इस तरह से। इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है, मेरे एक नॉन है, उन्होंने बोला कीवी नहीं खाना चाहिए। मैंने बोला क्यों नहीं खाना चाहिए, उन्होंने बोला पेट में दर्द होता है इसको खाने से। मैंने बोला ऐसा तो नहीं है यार, सही चीज़ है, पेट में दर्द तो नहीं होता है। बोला नहीं, पेट में दर्द होता है। मैंने कैसे खाया, उन्होंने छिलके सहित ही खा लिया, तो उनके पेट में दर्द हो गया और लूज मोशन हो गए। तो छिलके सहित नहीं खाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कीवी के अलावा हमने बाकी फ्रूट भी काट लिए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पानी वाले फ्रूट मत डालना, जैसे वाटरमेलन या मस्कमेलन का इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले ये डाल देते हैं क्योंकि काला पड़ रहा है, ये है पियर्स। क्वांटिटी कितनी डालनी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एप्पल ये भी पहले डाल देते हैं, वरना काला पड़ जाएगा। और साथ में बनाना, ये केला तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। एक बार इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्रीम में मिक्स हो जाएगा तो फ्रूट काला नहीं पड़ेगा। ये रहा पपीता, चीकू मेरा फेवरेट है, इसमें डालिए, कस्टर्ड में डालिए, बड़े मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ये तो है ही कीवी, थोड़े से अनार, आप इसमें अंगूर भी डाल सकते हैं, आम भी डाल सकते हैं सीजन के हिसाब से। नट्स में थोड़े से काजू, थोड़ा सा बचा लेंगे हम गार्निश के लिए, बादाम। ये रही अपनी काली किशमिश, बेरीज भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह, ये अपनी नॉर्मल किशमिश, थोड़ा सा पिस्ता। अब करते हैं इसको मिक्स, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको फ्रूट कब मिलाना है क्रीम के अंदर, जब आपको खाना हो, क्योंकि धीरे धीरे करके फ्रूट अपना पानी छोड़ने लग जाता है, और जैसे जैसे पानी छोड़ेगा वैसे वैसे पतला होता जाएगा। इसलिए जैसे ही आपने फ्रूट मिलाया वैसे ही इसको सर्व करना है चिल्ड करके।
फ्रूट क्रीम के अंदर एक राजभोग वाला फ्लेवर लाने के लिए इलायची पाउडर 5 से 6, एक चम्मच गर्म दूध के अंदर केसर के कुछ धागे हमने डाले हैं, लेकिन दूध बाद में ठंडा हो जाना चाहिए, ये डाल देते हैं इसमें, अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और अरोमा तो शानदार आएगा ही। बस और कुछ नहीं मिलाना इसके अंदर, अब इसको करते हैं मिक्स। फ्रूट क्रीम यहाँ पर रेडी हो गई है, अब इसको डेकोरेट कर देते हैं दूसरे बर्तन में डाल के। अब एक दूसरे बर्तन में इसको हम सर्व करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ना भाई, ऐसे थोड़ी डालेंगे। अब इसको अरेंज करते हैं, थोड़ी सी कीवी से गार्निश कर देते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। थोड़े से अनार हमने बचा रखे थे, यहाँ पे अनार डाल देते हैं। ये बादाम कहाँ काम आएंगे, ये भी डाल देते हैं। थोड़े काजू, थोड़ा पिस्ता और ये थोड़े से काले वाले किशमिश, देख के लग रहा है ना खाने का मन।